एक्सप्लेनेशन स्किल या व्याख्यान कौशल अगर आपने अब आप तक इसे समझा नहीं है तो आपकी प्रैक्टिकल फाइल भी ख़राब हो जाएगी अगर आपको नहीं आता तो सिमुलेशन की जो आपको बी एड फर्स्ट ईयर में बनानी होती है साथ ही साथ आपके जो पेपर हैं हर पेपर में कौशल पे ज़रूर पेपर आता है ज़रूर टॉपिक आता है तो आपकी वो चीज़ ख़राब हो जाएगी आज मैं आपको बहुत अमेजिंगली समझाने वाली हूँ कि व्याख्यान कौशल एक्सप्लेनेशन स्किल होता क्या है उसकी जो आप फाइल बनाते हो सिमुलेशन की वो बनानी कैसी होती है सब लोग कमेंट करते थे इस टॉपिक पर बनाइए इस टॉपिक पर क्यों ना मैं आपको वो मेथड बता दूँ जिससे आप किसी भी टॉपिक पर इस स्किल पे बना पाओ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को अगर आपने अब तक ब्यूटी विद ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बी एड रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए किसी भी हेल्प के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको हर टाइप्स की वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं इस कौशल को देखिए सबसे पहले थ्री कॉलम्स आपको बनाने होते हैं जिसमें फर्स्ट में हम लिखते हैं संख्या यानी कि नंबर यानी कि जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो जो आप कर रहे हो वो कितना है ठीक है तो यहाँ पे क्रम संख्या फर्स्ट कॉलम मैं बना लूँगी देन हम सेकेंड कॉलम बना लेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएँ या ट्यूपल टीचर्स ठीक है थर्ड आता है आपका स्टूडेंट की क्रियाएँ यानी कि छात्र क्रियाएँ ये तीनों कॉलम आपके हर एक स्किल में होते हैं बट डिफरेंस क्या होता है देखिए नाम का होता है व्याख्यान कौशल एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन से आप समझिए उसका मतलब है आपको एक्सप्लेन करना है यानी कि जो आप फाइल बना रहे हो ना जो आप लेसन प्लान भी बना रहे हो अगर उसमें व्याख्यान है तो व्याख्यान का मतलब होता है आप खुद बताइए आपसे किसी चीज़ की व्याख्या की करने के लिए बोला जाता है तो उसका मतलब क्या है उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है जैसे कि यहाँ पर नंबर वन पॉइंट मैं ले रही हूँ शेल ठीक है आप किसी भी टॉपिक ले लीजिए दो टाइप के टॉपिक का बताऊंगी मैं आपको तरीका ऐसा बता दूंगी कि एंड में ना वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में बिल्कुल आपके माइंड में भर जाएगा कि उन्होंने बताया क्या था और आप किसी भी टॉपिक पर बना लोगे फिर पूरी वीडियो देखने के बाद तो वीडियो स्किप नहीं करनी है आपको पूरी देखिए किसी भी अभी बना लीजिए हर एक स्किल का मैं आपको कराऊंगी बट टॉपिक मैं हर सब्जेक्ट का नहीं ले सकती तो वो चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ आप इजीली बना लोगे बिलीव मी बस आप वीडियो देखिए तो यहाँ पे मैंने टॉपिक लिया है शैल जिसे हम क्या बोलते हैं कोशिका ठीक है मैं साइंस से हूँ तो मेरा मन में यही आया था आपको पढ़ाते हुए तो मैंने कोशिका ले लिया इसकी जगह आप कोई भी ले सकते हो मोटर क्या होती है अगर आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो समाज क्या होता है समाज का एग्जाम्पल लेके भी आपको बताऊँगी तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछना होता है किसी भी चीज का हो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूंगी कि कोशिका क्या होती है देखिए पेपर टॉपिक आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करने हैं अपना एक सीक्रेट बताऊं सब लोगों ने बुक्स में से किया था मैंने बुक्स में से किया ही नहीं मुझे जो टॉपिक जिस क्लास का सही लगा मैंने वो टॉपिक उठाया और अपने माइंड से लिख दिया अगर आप बीएड में हो तो आपको इतना तो आई थिंक पता है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं उन सब्जेक्ट में से जो टॉपिक आपको ईजी लगता है ना जिसमें आप खुद से बना के लिख सकते हो क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल में आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है कहीं से भी पूछ लेता है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए आपसे पूछ लेगा व्याख्यान कौशल का मतलब बताइए और आपने फाइल सिर्फ एहवी देख के लिख दी कहीं से तो आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे तो हाँ पे देखिए जैसे शैल क्या होती है छात्र ने सॉरी शिक्षक ने या टीचर ने ये क्वेश्चन पूछा अब इस पर लिखना मस्ट होता है कि छात्र उस पर क्या रिएक्ट करेगा तो छात्र को नहीं पता मान लीजिए कि छात्र को वो चीज नहीं पता तो छात्र मौन रहेगा ठीक है अगर छात्र को पता है तो हम लिखेंगे कि संभावित तो उत्तर देगा तो यहाँ पे आपकी एक लाइन कंप्लीट हुई तो हमने सिर्फ अभी व्याख्यान कौशल को नहीं एक्सप्लेन किया है हमने हमने अभी सिर्फ नॉर्मल चीज कही है जो कि सभी कौशल के लिए है ये यहाँ तक का सभी कौशल के लिए सेम है पैटर्न ठीक है अब आएगी व्याख्यान की बात जो आपको समझना है अगर आप इसकी पॉइंट्स को समझ गए सेकंड एग्जांपल लेके भी बताऊंगी उससे भी समझ गए तो आप यकीन करिए आप इजिली बना लोगे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना ही यूट्यूब से देखने की तो यहाँ पे अब हम उत्तर में लिखेंगे स्पष्टीकरण ठीक है स्पष्टीकरण क्या मतलब आपको पता है स्पष्टीकरण यानी कि उस चीज़ को डिटेल में जाके बताना एक्सप्लेन करना ठीक है अब यहाँ पे मैंने स्पष्टीकरण ले लिया आप इसकी जगह व्याख्या भी ले सकते हो ठीक है व्याख्यान भी ले सकते हो कि व्याख्या करेगा टीचर ये हम किसमें लिख रहे हैं शिक्षक में, है? में. छात्र की जो शिक्षक की जो क्रिया होंगी वो शिक्षक क्रिया में जो छात्र की क्रिया होगी वो क्रियाओं में अब आता है मेन चीज स्पष्टीकरण मीन्स उस चीज़ को उसकी जड़ में जाके छात्रों के सामने प्रस्तुत करना ठीक है यानी कि एक्सप्लेनेशन टीचर ने पूछा मान लीजिए सेल क्या होती है ठीक है स्टूडेंट मौन है उन्हें नहीं पता तो अब टीचर उन्हें समझाएगा कि सेल ये होती है मनुष्य के अंदर पाई जाती है जीवित कोशिकाओं जीवित सेल्स जो होती हैं वो भी होती हैं निर्जीव भी होती हैं जीवित वस्तुओं के अंदर पाई जाती है तो ये सब क्या है व्याख्यान यानी कि मैंने टीचर ने बच्चों के सामने उस चीज़ को व्याख्यान किया उस चीज़ को बताया उस चीज़ को समझाया तो वो एक्सप्लेनेशन में आ गया और ये जो एक्सप्लेन मैंने किया है ना यही है आपका व्याख्यान कौशल ठीक है अब सेकेंड एग्जाम्पल ले लीजिए मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है समाज क्या होता है ठीक है ये आपका जो भी एसएसटी वगैरह के हैं उनके लिए है तो समाज क्या होता है ठीक है अब क्वेश्चन तो पूछ लिया हमने अब मेन बात वही आ जाती है सेकेंड स्टेप होगा आपका वही कि स्टूडेंट जो है वो क्या कहेगा तो स्टूडेंट की क्रिया भी यहाँ पे क्या होगी मौन होगी मेन स्टेप होता है स्टार्टिंग में प्रश्न पूछने का बिलीव मी इतने अच्छे से आपको कोई आपका टीचर भी नहीं समझाता हमने भी बी किया है हमें भी किसी ने नहीं समझाया था बट वो तो टीचर थे तो थोड़ा बहुत समझ आ गया खुद ही ठीक है तो यहाँ पर स्टूडेंट की क्रिया मौन रहेगी अब शिक्षक क्या करेगा समाज को बताएगा समाज का स्पष्टीकरण करेगा कि समाज होता क्या है बताएगा कि जो लोग आपस में रहते हैं एक वातावरण में एक जैसे लोगों का जो रहना होता है तो उनका आपस में समाज बन जाता है समाज ये होता है वो होता है एग्जाम्पल लेके बताएगा तो क्या करेगा उनके सामने उस चीज़ को प्रस्तुत करेगा उस प्रस्तुत करने को ही हम कहते हैं व्याख्यान कौशल या स्पष्टीकरण या छात्रों को समझाना या एक्सप्लेनेशन इंग्लिश वाले भी समझते रहिए अगर आपको तरीका समझ आ गया तो आप इजीली कर लोगे यार इतना बड़ा फंडा ही नहीं है बस आपको एक एक चीज़ समझ आनी चाहिए सारे स्किल्स मैं आपको पढ़ाऊंगी आपको सिर्फ ओल्ड वीडियोज़ को भी चेक करना है बहुत सारी वीडियो मैंने शेयर की हुई है लेसन प्लान भी शेयर किए हुए हैं तो वो देख लीजिएगा ठीक है अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे सेकेंड एग्जांपल पे भी समझ लेते हैं जिससे कि आपको समझ आ जाए ठीक है देखिए पॉइंट्स आपको ज्यादा से ज्यादा जितने आप लिख सकते हो आपके ऊपर होता है आपके टॉपिक के ऊपर होता है आपकी उस टॉपिक पे पकड़ कितनी है उसके ऊपर होता है बट मैं तो एक चीज़ पर फोकस करती हूँ कोई ऐसा टॉपिक लीजिए जिस पर आप अच्छे से लिख पाओ जैसे मैं आपको एक्जाम्पल के तौर पर जो ले रही हूँ इजी इजी टॉपिक लीजिए सिर्फ प्रैक्टिकल वाले को जो भी टीचर आता है एग्जाम उसको सिर्फ आपकी फाइल से मतलब होता है और इतना मतलब होता है कि आपको पता हो उस फाइल में क्या लिखा हुआ है उसके अलावा वो टॉपिक नहीं देखता कि

ठीक है अब स्टूडेंट की जो क्रियाएं हैं यानी कि जो छात्र क्रियाएं हैं उसमें आपको लिखना है वो पॉइंट आ जाता है वहाँ पे तो वो मौन ही रहेगा उसमें आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी फिर भी मैंने प्रश्न ले लिया मान लीजिए समाज के प्र कितने प्रकार होते हैं ठीक है आप लोगों को कभी समझना है तो यहाँ पर लिया है समाज के कितने प्रकार होते हैं वो चीज़ हमने लिख ली टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का हो किसी भी किसी भी क्लास का हो बस आपको अगर उस चीज़ की मेन चीज़ पता है ना जैसे मैंने बताया व्याख्यान में व्याख्यान का मतलब सिर्फ इतना है क्वेश्चन पूछना है टीचर को वो चीज़ एक्सप्लेन करनी है उस चीज़ का स्पष्टीकरण देना है बस और छात्र की क्रिया यहाँ पे क्या रहेगी मौन ही रहेगी मौन लिख लीजिए संभावित उत्तर लिख लीजिए कुछ भी लिख सकते हो वो उस चीज़ का कोई फंडा ही नहीं है जो श्याम्पट होता है श्यामपट कौशल आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा हार्ड होता है बट की पॉइंट्स आपको एक एक कौशल की बताऊंगी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ठीक है तो यहाँ पे हम करेंगे अब व्याख्यान यानी कि व्याख्या व्याख्यान लिख लीजिए व्याख्या लिख लीजिए स्पष्टीकरण लिख लीजिए या समझाना लिख लीजिए ठीक है कुछ भी हेडिंग डाल लीजिए की पॉइंट्स पर ध्यान रखिए आपको पता होना चाहिए वो चीज़ क्या है बिलीव मी कोई टीचर आपको इतने अच्छे से नहीं समझाएगा ठीक है तो यहाँ पर स्पष्टीकरण मैं लिख लेती हूँ टीचर आपको पता नहीं क्या पढ़ा जाते स्किल्स के नाम पे मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया था अगर मैं शेयर करने पे आऊँ तो आज से दो साल पहले मैंने बी की थी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है फर्स्ट ईयर में जब थी पता नहीं क्या आके क्या पढ़ा गए बिलीव मी पंद्रह दिन तक इतने माइक्रो टीचिंग चली थी पंद्रह दिन की होती है कुछ भी समझ नहीं आया था सब कुछ सर के ऊपर से गया था क्योंकि जो चीज़ पढ़ानी होती है पता नहीं कैसे वो टीचर वही चीज़ नहीं पढ़ाते हैं मैं ये नहीं कह रही मैं उनके लेवल की हूँ बट टीचर बन गई हूँ तो इतना जानती हूँ और देखिए कहीं स्टूडेंट हूँ कहीं टीचर हूँ दोनों पोस्ट पर हूँ तो वहाँ मुझे पता है कि मुझे क्या करना है तो यहाँ पर आप देख लीजिए व्याख्यान का आ गया अब आपको क्या करना है कितने प्रकार हैं तो जो मैंने गोला बनाया ना इसका मतलब है स्पष्टीकरण करना है आपको यानी कि अब आपको उसी पे आ जाना है कि उसका व्याख्यान करना है कि जो समाज है वो इतने प्रकार का होता है चार प्रकार का तीन प्रकार का या दो प्रकार का ठीक है अब जब हम व्याख्या करेंगे तो छात्रों की क्रिया क्या होगी वहाँ हमें लिखना है कि छात्र ध्यानपूर्वक समझेंगे ये एक पैटर्न होता है की पॉइंट्स होते हैं मतलब कोई टीचर बताता ही नहीं है यार आप देखिए वीडियो देखिए आप समझिए और जब आप बनाने बैठोगे ना आपको एक एक पॉइंट याद आएगा कि उस चैनल की ब्यूटी विद ब्रेन की जो दी है उन्होंने हमें ऐसे पढ़ाया था और बिल्कुल सही पढ़ाया था ठीक है तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझेंगे हम लिखेंगे तो हमारा सेकेंड पॉइंट भी कम्प्लीट हो गया ठीक है मौन या ध्यानपूर्वक समझेंगे या जैसे दृष्टांत उत् होता है तो उसमें हम करेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे ठीक है या कार्य होता है छात्र यात्रक देखेंगे क्यों क्योंकि वो बोर्ड पे देखेंगे और व्याख्यान में क्या लिखेंगे कि छात्र समझेंगे क्योंकि टीचर क्या कर रहा है व्याख्यान कौशल में बोल रहा है लिख नहीं रहा बोल रहा है तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि समझेंगे क्लियरली देखिए व्याख्यान कौशल का मतलब है सिर्फ उस चीज को एक्सप्लेन करना उस चीज की व्याख्या करना यहाँ पे मैंने समाज कितने प्रकार का होता है वो क्वेश्चन लिया सेल्स कितने प्रकार की होती है वो लिख सकते हो कोई भी ले लीजिए उस चीज को एक्सप्लेन करेगा टीचर उस चीज का स्पष्टीकरण करेगा और वहीं आपका एक कौशल खत्म हो जाएगा अब आप, आप चाहे इंग्लिश का टॉपिक ले लीजिए चाहे हिंदी का टॉपिक ले लीजिए मैंने आपको इस वीडियो में की पॉइंट्स बताए हैं कि आप कैसे किसी भी स्किल पे किसी भी सब्जेक्ट पे टॉपिक बना सकते हो फिर भी सारे स्किल्स आपको समझाऊंगी अगर आप रिक्वेस्ट करोगे पूरी वीडियो देखोगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी भी स्किल के लिए बोलेंगे उस स्किल पर ऐसे ही वीडियो बनाऊँगी आपको डिटेल में समझाऊंगी ये हंड्रेड मेरा बिलीव है आपने पूरी वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन आपको रट गया होगा कि ये होता क्या है सो थैंक यू